दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद हालांकि कुछ किसान अपने घर लौट आए थे, लेकिन अब एक बार फिर आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा पहले ही बाधित कर दी गई है। वहीं आज कैथल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च कैथल की सेवाओं बाईपास व कैथल शहर के बीच निकाला गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी दिलीप ने बताया कि आज हमने किसान आंदोलन के चलते फ्लैग मार्च निकाला है। शहर के सभी नाकों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और अतिरिक्त पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से अपील है कि वह कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से करें, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें। आज शहर कैथल में फ्लैग मार्च निकाला गया है। किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। नाके शहर में लगे हुए हैं ऑलरेडी और पूरी फोर्स एक्टिव है, रिजर्व बनाई हुई है और स्टैंड बाई के भी है। किस तरह की अपील करेंगे लोगों से? मेरी ये अपील है कि शांति बनाए रखें और कोई भी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना ही उचित होता है। कानून हाथ में लेकर के धरना प्रदर्शन करना अनुचित है। दिल्ली उपद्रव के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आंदोलन की वजह से किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सी टीवी, चंडीगढ़।